आत्मा के जिला पंचायत नगर पंचायत अध्यक्ष दारू बंटवा रहा है, जबरदस्ती दारू है, गुंडाई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, पूरा या पूरे पूरे होटल करा रहा है। ये नजारा बीते जौनपुर से सामने आया है, जहां सातवें चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के साथ गठजोड़ साधे अपना दल एस और बीएसपी कार्यकर्ताओं में जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान अपना दल के प्रत्याशी ने बीएसपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अपना दल एस के प्रत्याशी पर चुनाव से पहले शराब बांटने का आरोप लगाया। आत्मा के जिला पंचायत अध्यक्ष दारू बंटवा रहा है, जबरदस्ती दारू है, गुंडाई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, पूरा या पूरे पूरे होटल करा रहा है। दरअसल रविवार शाम वैष्णवी मैरिज हॉल में गठबंधन प्रत्याशी आर के पटेल समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, तभी बसपा कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया, उनका फोन भी तोड़ दिया। मारपीट में उन्हें मामूली चोटें भी आई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और बीएसपी कार्यकर्ताओं के आरोप पर होटल की तलाशी की, लेकिन मौके से शराब की बोतलें नहीं मिली। इस दौरान कुछ बीएसपी समर्थक पत्थरबाजी पर उतर आए, इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया। वहीं सूचना पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष रामविलास पाल ने बीएसपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि वो प्रत्याशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर हमारे प्रत्याशी के ऊपर धाबा बोल रहे हैं। इसके अलावा एक दिन पहले ही एसपी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नोकझोंक हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी पर शराब बांटने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था, तो वहीं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपाइयों पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप भी लगाया था।